No, God! No, God, please, no! यहाँ पे छिप कर तू क्या कर रहा है? ओ तेरी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। सो है माइनक्राफ्ट लवर्स, तो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम सर्वाइवल मोड खेलने वाले हैं और हम न्यू वर्ल्ड में रिस्पॉन हो गया, और रिस्पॉन होते ही हमें एक पेड़ मिल गया। तो पेड़ से जल्दी से हम पेड़ के ब्रांच को ब्रिक को कलेक्ट करते हैं और उससे हम सबसे पहले अपने काम की चीज़ें बना लेते हैं, क्राफ्टिंग टेबल और सोर्स पिकेक्स, जो जो ज़रूरत होता है वो सब पहले बना लेते हैं और फिर चलते हैं आगे की ओर और विलेज की ओर चलते हैं। अगर इस बार हमें जल्दी अगर सामने विलेज मिल गया तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, तो मज़ा आ जाएगा और विलेज को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो जल्दी से यहाँ पे हम क्राफ्टिंग टेबल फटाफट से बना लेते हैं। रुको, पहले फेंक दिया मैं इसको, सॉरी गलती हो गया यहाँ पे। कलेक्ट, अब मैं यहाँ से जल्दी से क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ। और क्राफ्टिंग टेबल बनाने के बाद जो जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें हैं, मतलब तुम लोग समझ सकते हो कि सोर्स पिकेक्स एक्स जो लकड़ी का मतलब जो स्पेशली काम आता है, समझ सकते हो, देख लो जो जो तुम लोग नहीं आता। तो यहाँ पर हमारा बन चुका है, तो हम जल्दी से अपने क्राफ्टिंग टेबल कलेक्ट करके चलते आगे की ओर। उससे पहले हम कुछ पिक्स को मार के उसका मीट ले लेते हैं, अगर हमें आगे विलेज नहीं मिला तो कोई बात नहीं, तो चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि हमें सामने मिले। और ये क्या, सामने हमें एक विलेज दिख चुका है, तो चलो चलते हैं उनकी तरफ और हम जाके गांव को पहले एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि हमें वहाँ पे विलेज में क्या क्या मिलता है। सो ये जो विलेज है तो वो बहुत पहाड़ी इलाके टाइप का जगह में है, तो हमें रास्ता खोलने तो रास्ता मिल गया है। ये जो विलेज है वो थोड़ा ऊपर नीचे करके ये विलेज बसाया गया है, ये बस्ती। और घर तो बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब एक जगह यहाँ पे कैरेट पटेटोस लगा हुआ है और कुछ धान, और वो है हमारे गांव का मसीहा, हर विलेज का आयरन गोलम, जिसका काम हमेशा होता है कि वो हर मोब्स को मारे और उस सबको सफाया करे। तो हम गलती से शायद ये किसी टॉपर का रूम में घुस गए हैं, तो टॉपर का रूम में हमें नहीं जाना, हमें टॉप नहीं करना है, लगता है कोई पढ़ाकू का ही घर होगा। तब जाके देख लो तुम लोग कैसे कि यहाँ पे लाइब्रेरी रखा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, हम निकलते हैं बाहर की ओर, चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या और क्या क्या हमें मिलता है इस घर में। वैसे इस घर में कोई भी घर है, मुझे अभी तक मतलब दो घर हो गए लेकिन चेस्ट नहीं दिखा। मैं चाहता हूँ कि हमें चेस्ट मिले और चेस्ट में कुछ डायमंड्स, या डायमंड्स तो मिलना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है मुझे भी पता है, कम से कम एमराल्ड जो होता है वो ग्रीन कलर का, वो भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया होता है। और वो मिलने की वजह से मतलब नहीं मिल रहा है, बल्कि हमें कुत्ता का हड्डी मिल रहा है, जो कि मतलब वो जो हड्डी वाला भूत होता है मूव्स, तो इस हड्डी से हम कुत्ते को जो कुत्ते लोग रहते हैं उसको हम टेम कर सकते हैं, पालतू बना सकते हैं। और ये है हमारे गाँव का विलेज का सबसे टॉप फ्लोर वाला घर, जहाँ से पूरा मतलब नज़ारा दिखता है, और पता नहीं वो टावर टप कुछ दिख रहा है। और हम इस साइड से घर के पीछे जो तुम लोग इलाका डेजर्ट दिख रहा है वहाँ से हम रिस्पॉन्ड हुए थे और वहाँ से आए हैं हम लोग। तो अभी तक अगर ये तुम माइनक्राफ्ट का वीडियो देख रहे हो तो भाई लोग, तो तुम लोग रुको रुको रुको, मैं टारगेट लगाऊंगी कि मैं यहाँ से कूदूँ उस पानी में गिरूँ, ओके। थोड़ा देखते ये करने से क्या होता है, तो लेट्स थोड़ा सा बैकअप लेते, मतलब दौड़ने के लिए थोड़ा वेलोसिटी तो हम लोग को चाहिए। चलो अब दौड़ते हैं, 1 2 3। ओ तेरी, थोड़ा सा के लिए भाई लोग, ओ शिट, गया काम से गया, बच गया, मतलब थोड़ा सा के लिए तुम्हारा वहां से मतलब पानी सामने था, अगर पानी में गिरते तो मुझे थोड़ा सा भी डैमेज नहीं लगता, लेकिन मैं पानी में नहीं गिर गया, बल्कि यहाँ पे बंटी क्या कर रहा है, ये हर बार मेरे सर्वाइवल सीरीज में रहता है। तो ओ शिट, बंटी तो मर गया, कैसे, हाउ इट पॉसिबल, मैंने सिर्फ इस हड्डी से एक डंटा ही मारा था, लेकिन कोई बात नहीं, बंटी हमें हर बार हर सर्वाइवल सीरीज में हर एपिसोड में हम लोग को मिलते रहता है, तो एक बंटी गया तो कोई जरूरत कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे हमारा रात हो चुका है माइनक्राफ्ट में, और अब ये वक्त है मूव्स निकलने का, तो हम मूव्स की ओर देखते हैं। मतलब रात को मुझे सोने का मन वैसे भी नहीं करता है, मन करता है जब रात हो तो थोड़ा मूव्स के साथ मजे करें, नहीं तो उनको मारे या मार खाएं। तो चलो चल के देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमें मूव्स दिखता है और कहाँ कहाँ परेशानी हमें होता है। तो अभी तक तो कोई मूव्स दिख नहीं रहा, दिख तो जाएगा, इट इज कॉमन। ये देखो मूव्स का नाम ले, मूव्स हाजिर हो गया। तो थोड़ा घंटी बजा लेते हैं। ओ शिट,
इस जो कुआं रहता है कुआं को ऊपर घंटे में सोचे कि घंटी बजे लेकिन घंटी को बजाऊंगा और उसके नीचे एक मूस भी घुसा वो हंटी वाला तीर वाला जो तीर फेंक के मारता है मतलब वो लोग फंसे हुए रहते हैं। और ये है हमारा गांव का रक्षक आयरन मैन मतलब आयरन गोलम, यही गांव वाले को ही करता है लेकिन थोड़ा सा मीट खा ले मतलब मछली खा लेते हैं थोड़ा भूख लगा है और डैमेज भी वो जो मैंने वहाँ से कूदा था मतलब वो मैंने जो वाव यहाँ पर भी मुझसे मेरा ऊपर ही देख लो टारगेट लेके मतलब उन लोगों ने मुझे देख लिया अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो वो तीर फेंक के मारेगा नहीं तो मैं अगर नीचे गिर गया तो मेरा काम तमाम है क्योंकि एक क्रीपर वहाँ पे है और क्रीपर हर बार अपना कमाल दिखाता ही है और मुझे देखते ही ये देखो अपना कमाल शुरू कर दिया है ऊपर चढ़ गए लोग मुझे मारने के लिए लेकिन कोई बात नहीं जल्दी से हम इस रूम में जाके कुछ शॉर्ट्स बना लेते हैं शॉर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है मूस को माने तो चलो शॉर्ट्स चलो शॉर्ट्स बना ली। पॉकेट एडिशन में ये बहुत इजी होता है कि तुम्हारा शॉर्ट्स बहुत इजीली बना सकता है क्योंकि मैं पहले जावा एडिशन देखता था तो जावा एडिशन में तुमको पता रहना चाहिए कि क्या क्या बनाया जा सकता है मतलब कैसे करें बनाते तब जाकर तुम बना सकते हो। सो भाई लोग तो माइनक्राफ्ट अगर तुम लोग भी खेलना चाहते हो तो फ्री में तो तुम्हें वेबसाइट से जाकर डाउनलोड करना होगा। सो पहले हम यहाँ से कूद के उस घर में चलते हैं और ये क्या भाई लोग इन लोगों ने तुम लोग देख सकते हो कि आयरन गुलम को जो था रक्षक जो मैं बोल रहा था उसको जो आयरन गुलम थोड़ा देर बाद पहले ही थोड़ा देर पहले ही वो हमारे पास से मतलब गुजरा था लेकिन इन लोग जो ये जो मूव्स होते हैं उन्होंने उसका मर्डर कर दिया। और ये देखो क्रीपर भी हमारे मौत के पीछे पड़ा हुआ है जब तक वो हमको मारेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ये देखो डैमेज देने के लिए हमेशा तैयार रहता है वो बच्चा जो बचवा भूत रहता है लॉलीपॉप वाला वो भी बहुत तगड़ा टाइप डैमेज देता है और मुझे हमें इतना श्योर हूँ कि वही आयरन गुलम को मार दिया मतलब उसका डेथ हो गया तो कोई बात नहीं आयरन गुलम तब वापस तो नहीं आ सकता। ये देखो ये फिर से आ गया भाई ये लोग को जो बच्चा रहता है खास कर उसको सटने नहीं देते वो अगर सटने दे दिया तो बहुत तगड़ी टाइप डैमेज देता है वो और उसका मूवमेंट स्पीड भी बहुत स्पीड होता है क्योंकि मैं उसको ठीक से हैंडल नहीं कर पाता हूँ तो दोनों हाथ से इधर से मुझे दोनों हाथ से ये लोगों को मारना हो रहा क्योंकि क्या करूँ तो बहुत गर्मी का मौसम है भाई लोग इतना गर्मी में मतलब मोबाइल पर हीट हो जा रहा है जो गेम प्ले मैं करता हूँ तो थोड़ा सा मैं तुम्हारा मोबाइल पर हीट हो जाता है मतलब लैग करना गेम स्टार्ट कर देता है। तो इस अभी जो सीज़न चल रहा पता नहीं तुम लोग ये वीडियो मेरा कब देख रहे हो लेकिन अभी तो मार्च का सीज़न है तो मार्च में बहुत गर्मी टाइप दे रहा है और मोबाइल ईजिली बहुत हीट हो जा रहा तो पसीना निकल रहा अभी गेम प्ले कर रहे तो फिर भी गेम प्ले कर रहे मेहनत मतलब समझ सकते हो तुम लोग। तो चलते हैं हम आगे की ओर और देखते हैं कि आगे हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे हो चुका है सुबह और सुबह होने वाला है और ये क्या ये डॉक्टर्स इधर क्या कर रहे हैं भाई लोग ओए ओए ये डैमेज दे रहा है मतलब ये मतलब माइनक्राफ्ट में सर्वाइवल सीरीज में पहली बार मैंने सर्वाइवल मोड में मतलब डॉक्टर्स को देखा है वो भी हम मुझे जितना लगता है कि ये डॉक्टर्स नहीं है बल्कि ये मूव्स है और ये मतलब मुझे लगा कि ये कुछ विलेजर्स को मदद करते होंगे मुझे लगता है कि ये डॉक्टर्स ही है लेकिन इन्होंने जॉम्बी का वो जो एक मूव्स रहता है जो पोर्शन फेंक के मारता है उन्होंने इस पर कोई फेंक दिया जिससे ये इस पर बदल गया जॉम्बी में। हाँ तुम लोगों अभी तक भी सर्वाइवल मोड में अगर डॉक्टर से पाला नहीं पड़ा मूव से तो तुम लोग किसी से नहीं पाला पर देख सकते हो कि मैं तुमको पहली बार दिखा रहा हूँ कि मूव्स होते भी हैं वो भी डॉक्टर भी मूव्स होते हैं इसलिए अब की बार से डॉक्टर्स पे थोड़ा सा भरोसा मत करना क्योंकि देख सकते हो तुम लोग कि किस तरह से ये डॉक्टर लोग मेरे पीछे पड़ चुके हैं मेरे जान लेने के लिए बल्कि सब कहते हैं कि ये जो डॉक्टर्स है भाई ये मेरे जान के पीछे पड़े हैं मतलब तुम लोग समझ सकते हो। तो ओके गाइस तो हम चलते टॉप फ्लोर में और वहाँ से एक जंप लगाएंगे श्योर हाँ यहीं से एक बार जंप लगाएंगे अंत में जाते जाते हम वीडियो यहीं तक रहने देंगे और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे। तो 1 2 3 देखते कि बचते हैं कि नहीं हम लोग यहाँ से यो ओ बच गया। तो यहाँ पे हमें कोई भी डैमेज नहीं लगा गाइस तो ओके बाय और यहाँ से कुछ थोड़ा सा डैमेज लगा हम
गेम का खर्च समाप्त और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।